गाइस वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं योशु और मैं करने जा रही हूं क्यारा आडवाणी की नेटफ्लिक्स फिल्म गिल्टी का मूवी रिव्यू। वेल, ये जो फिल्म है ये कॉलेज के ऊपर बेस्ड है, एक कॉलेज टाइम के ऊपर बेस्ड है। क्यारा आडवाणी खुद एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल निभा रही होती है और वो काफ़ी केयर फ्री होती है, बहुत सारे टैटूज होते हैं, मतलब उनके पूरे बॉडी में उनके बाल भी कलर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर फ्री लुक होता है वो जो कॉलेज लाइफ का, पियर्सिंग्स ये वो। एंड कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का, एक पॉलिटिशियन का बेटा उनका बॉयफ्रेंड होता है जिसके पीछे सारी लड़कियां पागल है, तो उन दोनों को काफ़ी बोल्ड देखा जाता है स्टार्टिंग में। वहीं क्या होता है, कॉलेज की एक कॉमन सी लड़की जो होती है उसका नाम तनु होता है, वो एक दिन अचानक से मतलब एक कॉन्सर्ट, एक फेस्ट होता है, फेस्ट के दूसरे दिन क्यारा आडवाणी के बॉयफ्रेंड पर रेप का इल्ज़ाम लगाती है। वेल, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि तन्नू जो होती है खुद क्यारा आडवाणी के सामने उनके बॉयफ्रेंड पर लाइन मारती है, उनसे ओपनली फ्लर्ट करती है और बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है। वहीं जब वैलेंटाइंस डे के बाद ये वो एलिगेशन लगाती हैं क्यारा आडवाणी के बॉयफ्रेंड के ऊपर कि उन्होंने उनका रेप करा है, तो इस चीज़ को कोई बिलीव नहीं करता। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो सब बोलते हैं कि यू नो तन्नू ही थी जो वीजे, उनके बॉयफ्रेंड का नाम होता है, तो वो कहते हैं कि तन्नू ही थी जो वीजे के ऊपर चढ़ती थी, उससे ओपनली फ्लर्ट करती थी और वो इतनी डेस्परेट थी कि वो उनका बॉयफ्रेंड बन जाए, वो क्यारा आडवाणी को छोड़ दे। क्यारा आडवाणी का इस फिल्म में नाम होता है नानकी, तो वो नानकी को छोड़ दे और उसके पास आ जाए। लेकिन फिर जब वो रेप का इल्ज़ाम लगाती है, सब कहते हैं कि हो सकता है कि उसको बस क्यारा आडवाणी से बदला लेना हो, ऐसा कुछ हो, या फिर फेम के लिए वो ऐसा कर रही हो, ये हो वो हो, सब उस पे कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके कैरेक्टर को ऐसा गंदा गंदा बोलते हैं। वहीं जो वीजे के पेरेंट्स होते हैं, मतलब उसके डैड पॉलिटिशियन होते हैं, तो अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं इस केस को दबाने के लिए या कुछ करने के लिए, और वीजे भी क्यारा को बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा है। क्यारा खुद बहुत लॉस्ट हो जाती है, उसको समझ नहीं आता क्या सच है क्या झूठ है, उनके पहले से ही कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टार्टिंग में रिवील नहीं हुआ था। पहले जो मूवी है वो काफ़ी ग्रैबिंग है, आपको काफ़ी सस्पेंस में रखेगा, आपको समझ नहीं आएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, बट एंड में आते आते आपको थोड़ा यू नो सब कुछ ऑल विल मेक सेंस और आपको पता चलने लगेगा अच्छा ऐसा है ऐसा है, तो धीरे धीरे सस्पेंस खुलता है। और जो एंडिंग है इस फिल्म की, क्लाइमैक्स है, वो बहुत ज़्यादा मतलब दमदार है और बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं आपको ये क्लाइमैक्स बताऊँ तो आप कंटिन्यू करिए, बिकॉज मैं आपको अभी स्पॉइलर अलर्ट देने वाली हूँ, और जिनको ये मूवी आराम से इंजॉय करनी है बिना स्पॉइलर अलर्ट के, वो इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं। तो आप चले गए, चलो मैं आपको बता देती हूँ उन लोगों को जिनको सुनना है कि इस मूवी की एंड में क्या होता है। सो वेल, ऐसा होता है कि जो तन्नु होती है उनका सच में रेप हुआ होता है। हुआ ये होता है कि वैलेंटाइंस डे के दिन वो वीजे के हॉस्टल में जाती है और वहाँ पर वीजे क्या बोलते हैं, वीजे उसके साथ थोड़ा इंटीमेट होने की कोशिश करता है, वीजे अपने फ्रेंड्स के सामने उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जो तन्नू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो उसको बात में थप्पड़ मार देती है। वीजे को गुस्सा आ जाता है और उसका मेल ईगो सामने आ जाता है, इसीलिए वो ऐसा करता है। और जो क्लाइमैक्स सीन है ये तन्नू खुद कॉन्सर्ट के स्टेज में रिवील करती है, और जब ये सब हो रहा होता है तो उस वक्त स्टेज पे वीजे होता है और वीजे ना भागने की कोशिश करता है बैक स्टेज, लेकिन सब क्रू मेंबर्स जो होते हैं ब्लॉक कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप ऑडियंस की तरफ से जाइए बाहर अगर आपको जाना है। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया और वो साबित हो गया कि वो गिल्टी है, तो और वो यू नो ऑडियंस के बीच में से जा रहा है, तो उसको इतने ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, जूते पड़ते हैं, चप्पल पड़ते हैं। तो ये इस फिल्म के जो क्लाइमैक्स सीन है ये है वो। और साथ में मुझे क्यारा आडवाणी का भी एक एंड सीन अच्छा लगता है कि यू नो इस फिल्म का एक बहुत अच्छा सीन ये है कि अगर कोई लड़की कॉन्फिडेंट है, अगर कोई लड़की बोल्ड है, अगर ओपनली फ्लर्ट करना चाहती है या किसी लड़के को पसंद करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका रेप करे तो उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगा देंगे, ओ ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इतनी कॉन्फिडेंट है, इसी ने फेम के लिए ऐसा किया होगा, विच इज़ सो रॉन्ग। हमें दूसरों की भी सुननी चाहिए पूरी कहानी और ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए उनके कैरेक्टर पर, बिकॉज लड़के भी बोल्ड होते हैं लेकिन उनको तो कोई जज नहीं करता, लेकिन लड़कियाँ बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो जाए तो उनको बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। तो इस मूवी का पूरा यू नो मॉरल ऑफ द स्टोरी है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मायापुरी कट।